तो शुरू करते हैं गुरुजी। जैसे गुरुजी की आज्ञा है, गुरुजी ने बोला कि बैठ जाओ, संगत आप पे आ जाएगी। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई, ये कह नहीं सकते हम कब शुरू हुई। 2004 से बुलावे आ रहे थे लेकिन तब नहीं जा पाए, या कारण जो भी है नहीं बना। और 2019 में 7 जुलाई को गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं कहीं जा रही थी अपनी बेटी को ट्यूशन लेने, तो मेरे पास ई रिक्शा में 2 आंटी बैठी, दोनों ने पिंक सूट पहने, बहुत सुंदर तैयार हुई हुई थी और बड़ी खुश लग रहे थे। जैसे संगत के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है, वैसी खुशी उनके चेहरे पर थी। और मैं मतलब वो बातें कर रही थी और मैं उनकी बातें सुन रही थी। कभी किसी से ऐसे अनजान से बात नहीं करती हूँ, लेकिन उस दिन बात करने को दिल किया। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आपको नहीं पता आज गुरुजी का बर्थडे है। और फिर जहाँ पे वो रुके वहाँ पे बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई हुई थी और वहाँ पे उतर के गए। और मैंने जस्ट वहाँ दरवाजे पर ही मैंने ये सोचा, मैं क्या गुरुजी आज आपका बर्थडे है और आपने मुझे नहीं बुलाया। खैर, ये सोचा मैंने वहाँ पे और मैं अपना बेटी को लेके ट्यूशन से वापस घर आ गई। जैसे ही जब मैं घर पहुँचती हूँ तो मेरी एक बहनों आंटी का फ़ोन आता है। वो कहती हैं गुरुजी का सत्संग हो रहा है, आज उनका बर्थडे है, आपने चलना है, आप तैयार हो जाओ, मैं बस आ रही हूँ। और मैं जैसे थी वैसे ही मैंने कहा नहीं आंटी आ जाओ चलते। और संगत जी जब मैं पहुंची उसी जगह पे जहाँ से अभी मैं 5 मिनट पहले वापस आई, उसी सेलिब्रेशन में गुरुजी ने मुझे बुला लिया उसी टाइम। मन की कैसे बात उसी वक्त वो जानते हैं। और बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था, पूरा पिंक थीम था और सारी संगत वहाँ पे विराजमान थी, लंगर प्रसाद चल रहा था, सत्संग हो चुका था। मुझे बर्थडे का केक मिला, गुरुजी का जल प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद भी मिला। बहुत सारी ब्लेसिंग मैंने उस दिन बटोरी और उसके बाद बस मैं भूल गई। फिर उसके बाद 2019 में ही नवंबर या अक्टूबर या नवंबर में, मुझे डेट याद नहीं है, जब मेरी एक आंटी है कहते जब सत्संग शेयर करना चाहिए तो जो आपको मंदिर लेके जाता है उसका नाम ज़रूर बोलना चाहिए। कामना आंटी जी हैं और वो मुझे बड़े मंदिर लेके गई। वो हमेशा एवरी मंडे जाती होती थी, तो मैंने उनको कहा कि आप इतनी बारी जाते हो आप मुझे भी लेके चलो, मुझे रास्ते का नहीं पता है कहाँ है किधर है, तो मैं चलूँगी आपके साथ। 3-4 मंडे निकल गए मेरा जाना ना है, कभी कुछ प्रॉब्लम तो कभी कुछ। और एक मंडे ना मैंने हट कर लिया कि मैंने तो अब जाना ही जाना है। मैंने सुबह बस मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए रेडी कर और मैं तैयार हो गई। मैंने आंटी को बोला, मैं क्या आंटी हम चलते हैं, आप आ जाइए। और बस हम मंदिर गए और रास्ते भर ना वो गुरुजी की बातें मुझे बताती जा रही हैं कि जाओ ऐसे जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलती है और इस तरह जैसे जैसे जो भी वो सारी फॉर्मेलिटीज़ वो मुझे बताती जा रही। और पूरे रास्ते गुरुजी का स्वरूप मेरी आंखों के आगे आ रहा था, जो बड़े मंदिर के अंदर लगा हुआ था, गुरुजी के 3 फेसेस वाला। आज से पहले मैंने वो स्वरूप कभी नहीं देखा था। और मैं, हम कितने मूर्ख होते हैं, मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी ना कुछ ना मेरे ऊपर ना ये हिप्नोटाइज हो रहा है, जो मुझे गुरुजी ना बंद आँखों में और खुली आँखों में भी नज़र आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि ये मुझे ना मतलब नज़र आई जा रहे हैं। वो तीनों स्वरूप मेरी आंखों के सामने आई जा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर विजिबल। और बस मंदिर पहुँचे, जैसे ही मंदिर के अंदर बस कदम रखा, इतने डिवाइन दर्शन। दोपहर का टाइम था, इतनी तेज़ धूप थी लेकिन वो धूप चुप भी नहीं रही थी और ठंडी हवा के झोंके लग रहे थे। और बस मंदिर के वो कहते हैं 6 सीढ़ियाँ, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब को लांघते हुए जब हम चढ़ते हैं तो वाकई गुरु जी के डिवाइन दर्शन होते हैं। उस दरबार के अंदर सबसे पहले जाके नज़र शिव जी पे पड़ी और पीछे गुरु नानक देव जी का स्वरूप देखा और वहाँ पे कबीर के दोहे चल रहे थे। मैं कह रही थी ये कौन सा मंदिर है,
जहाँ मेरे गुरु नानक देव जी भी हैं, शिव जी भी और कबीर के दोहे चल रहे हैं, और खुशबू आ रही थी अंदर ना, मतलब मनोरम, मैं क्या बताऊँ, शब्द नहीं है वो बयान करने का। मंदिर के अंदर के जो भी चल रहा था उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और इतने सुंदर दर्शन हो रहे थे, बहुत सुंदर। गुरु जी ने वहीं पर उन जहाँ पे 3 स्वरूप लगे हैं वहीं पास में ही बिठाया, वहीं पर ही, और बड़े ही सुंदर दर्शन दिए वहाँ पे। मतलब ना, मैं देख रही थी लोग आ रहे थे, माथा टेक रहे थे, मुझे नहीं पता था गुरु जी हैं कि नहीं है, क्योंकि उन दिनों समाधि में काम चल रहा था, समाधि मंदिर में ढका हुआ था, तो मेरे को था कि खाली चेयर है, अभी कोई आके यहाँ पे बैठेंगे, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी अभी समाधि लेंगे, ना आंटी ने इस बारे में मुझे कुछ बताया। लेकिन जब मैंने देखा कि अभी कोई नहीं आ रहा, फिर मैंने धीरे से आंटी को पूछा, मैंने कहा आंटी अभी गुरु जी आएंगे या आके चले गए? कहते नहीं, अभी बाद में बात करेंगे, अभी बाहर चल के। फिर हम बाहर चल के, आंटी ने मुझे बताया ऐसे, और हमें चाय प्रसाद और मट्ठी प्रसाद मिली, और इतनी प्यारी जर्नी थी गुरु जी के साथ, और मैं उसका बखान नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद लास्ट ईयर जब सब लॉकडाउन हो गया, इस महामारी का मैं नाम नहीं लूँगी, कहते हैं इसका नाम नहीं लेना चाहिए, इसको बस बोलना चाहिए कि अब ये इस संसार से, इसका जाने का समय आ गया, अभी जा रही है, तो इसका नाम बार बार मत लीजिया करिए कोई भी, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे पास आता है। तो हम सब उस परमात्मा की ही आत्माएँ हैं, उसी परमात्मा के हम अंश हैं, कहते हैं जो कहते हैं वही होता है। ये परमात्मा हमारे, हम सत्संग नहीं करते हैं, हमारे सत्संग में जो वाणी आती है ये सब गुरुजी हमसे बुलवाते हैं, गुरुजी हमसे कहलवाते हैं। तो सब कुछ जब बंद हो गया, और मेरा एक योगा का ग्रुप है जिसमें हमारा एवरी थर्सडे सत्संग हुआ करता था, तब नराते शुरू ही हुए थे और सत्संग नहीं हो रहा था, तो मुझे बड़ा ही बुरा लगा। तो मेरे को लगा कि ये कैसे मतलब नराते आए कि माँ आई भी हैं और हम उनका गुणगान नहीं कर पा रहे, और बड़ी उदास 2-3 दिन बहुत उदास रही। उसके बाद मैंने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब में सबसे पहले एक सत्संग ही हो रहा था, अमृत वेला का सत्संग हो रहा था, भाई जी अपनी कथा सुना रहे थे, रिंकू वीर जी हैं, और वो कुछ कथा ऐसे सुना रहे थे जैसे पता नहीं उन्होंने जो जो बात करी उस दिन ऐसे लग रहा था कि वो मुझसे ही कह रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि सत्संग के लिए कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के भी आप गुरबानी चला सकते हैं, आप तो यूट्यूब इतना बढ़िया माध्यम गुरु जी ने हमें दिया है। और बस उस दिन से वो सत्संग मेरा, यूट्यूब मेरा सत्संग हो गया, और मैं उसी पर सब कुछ सुनने लगी। गुरु महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग हुई, घर बैठे उन्होंने सत्संग करवाना शुरू करा दिया, और ऐसे ही गुरुजी का पेज मेरे सामने फेसबुक पर आने लगा, जय गुरुजी बस लिख देती थी। और फिर गुरुजी के बारे में ना बड़ी क्यूरियोसिटी हुई जानने के लिए कि उनके बारे में पता करना चाहिए कौन है, क्या है और कहाँ से आए हैं। अगर परमात्मा हैं, लोग कहते हैं परमात्मा स्वरूप है, तो अभी पहले कहाँ थे, पहले इसका एहसास हमें क्यों नहीं हुआ। और मैंने फिर सारे गूगल पे, यूट्यूब पे इनके बारे में सर्च करनी शुरू कर दी, जो भी आता सब पढ़ती। फिर मुझे सुखी आंटी की बुक मिली, वो मैंने बुक मिली लेकिन मुझे वो उसका पीडीएफ फॉर्म अगले दिन मिला, और मैंने वो बाय करने के लिए एड्रेस डाल दिया, लेकिन वो अंकल बोलते हैं आपके एरिया में नहीं आएगी ये बुक क्योंकि सील है। मैंने कहा ठीक है, अब मैंने गुरु जी को ही बोला उस दिन, मैं क्या गुरु जी मुझे नहीं पता है, मुझे ये बुक पढ़नी है, अब कैसे पढ़नी है, अरेंज कैसे करवाओगे, आप जानो। और अगले दिन जब मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रही थी तो मुझे इसका बुक का पीडीएफ फॉर्म मिल गया, और वो मैंने बुक पढ़ी। जैसे जैसे वो मैं बुक पढ़ती जा रही थी, इतनी खुशी अंदर समाती जा रही थी कि जैसे पता नहीं कोई खजाना मिल गया मुझे, और मैं इतनी खुश कि मैंने कहा बस सब कुछ, जैसे कहते हैं ना इंसान के जब कोई परमात्मा अपने द्वार जब खोलता है ना, तो वो परमात्मा के पास होने का एहसास उसे जब होता है ना, तो वो खुशी एक अद्भुत होती है, एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है जब उस तक वारी होती है। उसका बखान करना ना बहुत ही मुश्किल होता है, हम उसका बखान नहीं कर सकते।
वो बुक मैंने पढ़ी, 4 दिन में मैंने पूरी बुक को फटाफट से पढ़ ली। और जब मैं बुक पढ़ रही थी, रात को मैं सोते टाइम बुक पढ़ती थी, और जिस टाइम मैं वो बुक पढ़ रही थी, मुझे नहीं पता था गुरुजी की ऐसी कोई फ्रेगरेंस आती है। तो मेरे बेड के पास ना गुरुजी की फ्रेगरेंस आई, और मैं मेरे बच्चे भी जाग रहे थे, कुछ काम कर रहे थे वो अपना, मैं भाग के उनके पास गई। मैंने कहा जो कमरों में ना बड़ी खुशबू आ रही है, तुम्हें आ रही है? कहते मम्मी नहीं, हमें तो कुछ नहीं आ रही है। अच्छा, मैं वापस आके जब लेटी तो खुशबू खत्म चली गई थी, वापस खुशबू नहीं आ रही। तो फिर जब मेरे को बाद में धीरे धीरे पता चला, जब मैं बुक रीड कर रही थी, कि गुरुजी की ऐसे फ्रेगरेंस आती है, जो गुरुजी की अपनी फ्रेगरेंस होती है, जब गुरुजी आते हैं तो वो फ्रेगरेंस का एहसास कराते हैं। और बस फिर मैंने यूट्यूब पे खूब सारे सत्संग सुने गुरुजी के, और जितनी भी पुरानी संगत के सत्संग थे, इतने प्यारे सत्संग, इतने डिवाइन सत्संग, और उन्होंने ही हमें गुरुजी से जोड़ा उन सत्संग को सुन सुन के बस। और उसमें गुरुजी एक ही बात मैसेज करते थे कि मेरे सत्संग ना तो सुना लो। और मैं कहती थी गुरुजी मैं किसको सुनाऊं, मतलब आपने जो एहसास मुझे करा रहे हो उन दिनों, बड़े प्यारे प्यारे एहसास गुरुजी करा रहे थे, और मैं किसको सुनाऊं, मुझे समझ नहीं आता था, बाहर लॉकडाउन है तो सुनाने किसको जाऊं। फिर मैंने अपने बच्चों को सुनाने शुरू कर दिया, डाइनिंग टेबल पे या लंच के टाइम भी जब भी बैठते, और डिनर पे भी मैं गुरुजी की बातें सुनाती, गुरुजी ऐसे करते थे, गुरुजी ऐसे करते थे, शिव अंकल ऐसे कहते थे, और सुखी आंटी के साथ जो जो हुआ था वो सब मैंने बच्चों को बताना शुरू किया। शुरू में तो बच्चे बोलते थे मम्मी आप क्या, चलो ठीक है आप सुनाओ, लेकिन धीरे धीरे दूसरे तीसरे दिन उनको इतना इंटरेस्ट जागा, नहीं मम्मी आप बताओ। जिस दिन अगर मैं कुछ नहीं बोलती थी ना, तो बोलते थे आज आपके पास कौन सा सत्संग है, आप जरूर सुनाओ। मैं बच्चों को सुनाती थी, मैं अपने हस्बैंड को भी सुनाती थी। मेरे हस्बैंड इतने गुरुजी से अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो भी सुनते थे और खुश होते थे सुन के, बस खुश हो जाते थे, हाँ जी हाँ जी कहते। ये गुरु की महिमा ही ऐसी है कि गुरुजी जब हमें ब्लेसिंग देते हैं तो उसकी, कहते हैं ना, गुरु के चेहरे की रौनक ना आपके ऊपर भी आ जाती है। मतलब एक ऐसी ही रौनक ना मेरे चेहरे पर हर टाइम रहती है और अभी भी रहती है। मतलब मैं गुरु की जब बात कर रही हूँ ना, तो मुझे इतनी अच्छी खुशी मिल रही है, गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं। और मैं ये कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत डर लगता था कैमरा फेस करने से। मेरे पास एक सत्संग आया कि आंटी ऐसे से लाइव होना है, मैंने मना कर दिया कितनी बारी कि नहीं। मैंने कहा वो मैं ऑडियो करके डालती हूँ। मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड करके डाला तो वो किसी ने नहीं सुना, और वो पता नहीं ऐसे ही कमेंट लोग उठे बूटे दिए, तो उसके बाद मैंने डाल ली। मैं क्या, गुरुजी की मर्जी होगी, जहाँ गुरुजी ने सत्संग शेयर कराना, जिसके लिए मेरा सत्संग होगा गुरुजी जरूर शेयर करवाएंगे। और मतलब गुरुजी ने शेयर भी करवाए, फिर गुरुजी ने मुझे जूम प्लेटफॉर्म पे जोड़ा और ब्लेसिंग पेज से जोड़ा, सोनिया जी का ब्लेसिंग पेज। वो मेरा रूटीन था, रात को सोते टाइम जरूर सुनती, अब तो नहीं सुनती हूँ आजकल, क्योंकि जूम पर इतने सारे सत्संग हो रहे होते हैं, वही अटेंड करते हैं। और मतलब गुरु जी ने उनको बड़ी प्यारी, वो बहुत ही एक प्यारा इंसान है, जिनको गुरु जी ने बड़ी प्यारी सेवा दी हुई है, और उनके माध्यम से ही हम सब, फेसबुक के माध्यम से ही हम सब, जैसे बहुत सारी बातें हमें पता चली। और मैंने भी संगत जी, बीच में एक बात मिस्टेक से मेरे से भूल गई, सॉरी गुरु जी। जब मैंने सत्संग अपने घर में किया पहली बार, मुझे आज तक मैंने कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था, बुलावे आ रहे थे लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं कभी नहीं जा पाती। और जब मैंने सत्संग घर में किया, मैंने नॉर्मल सी एक छोटी सी, मेरे पास टेबल है, मैंने उसके ऊपर ही पिल्लो रखा, साफ चद्दर बिछाई, और जल प्रसाद रखा, चाय प्रसाद बनाया, लंगर प्रसाद और बनाया, गुरबानी चलाई, गुरबानी सुनी। और मैं देख रही हूँ कि सब कहते थे जब गुरु जी का सत्संग होता है तो गुरु जी ना आते हैं, और मैं कभी जोत में देख रही हूँ ओम बनेगा, या कभी मतलब मैं भी साइन ढूंढ रही थी कि गुरुजी आए हैं तो क्या साइन आया। सत्संग हो गया, कोई भी ऐसा ना खुशबू आई ना कोई साइन मिला, तो मैंने मतलब हम लोग के मन से दूर नहीं होते। और गुरुजी ने, ये जहाँ मैं बैठी हूँ इसी कमरे में, गुरुजी ने पहले दर्शन मुझे दिए, बड़े ही सुंदर डिवाइन दर्शन गुरुजी के, और बड़े ही अद्भुत दर्शन थे वो।
और वो मुझे दूसरे तीसरे दिन जब मैंने ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि हाँ जी ये गुरु जी के दर्शन है। लेकिन मैंने जब और किसी को भी बताया तो कोई बिलीव नहीं करा, तो मैंने कहा कि मैं दुनिया को क्यों बता रही हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस तरह दर्शन दिए। ये दर्शन सिर्फ मेरे लिए थे, मेरे विश्वास को बताने के लिए कि हाँ मैं बेटे तेरे पास हूँ। और अभी भी मैं जब मैं किसी को बताती हूँ तो कोई माने ना माने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों वो दर्शन गुरु जी ने मुझे दिए, मुझे दिखाया कि देख उस रूप में भी मैं था और इस रूप में भी मैं बैठा हूँ तेरे पास। अद्भुत दर्शन गुरु जी के वो। और गुरु जी ने फिर घर में गद्दी लगवाई, अपने आप ही सिखाया कि कैसे भोग लगाना है, सब कुछ सारी मर्यादाएँ गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाई कि कैसे सब कुछ करना है। और वही मैं अब तो ऐसे नियम हो गया है कि कुछ भी हम खाते हैं, इवन एक चॉकलेट भी हम खाते हैं तो पहले गुरु जी को भोग लगाते हैं फिर हम खाते हैं। कई बार तो ऐसे होता है, बच्चों को भी अब आदत हो गई, मेरी बेटियों को भी, दोनों बेटियों को, कि कई बार जैसे वो डिनर बच्चे ना पास्ता वगैरह बनाते हैं या मैगी बनाते हैं तो मैं तो दाल रोटी में ही बिलीव करती हूँ, तो वो पास्ता भी गुरु जी को भोग लगा के फिर खाते हैं। तो कई बार हम हंसते हैं, मैं कह रही गुरु जी भी कहेंगे आज की खिलाते मैंने बच्चे, कभी पास्ता रख देने, कभी मैगी रख देने। बच्चों का भाव है, बच्चे भी वैसे ही गुरु जी से जुड़े हैं। बड़ी खुशी होती है कि गुरु जी ने अपने बच्चों को, हम सब गुरु जी के बच्चे हैं, गुरु जी ने अपने बच्चों को भी अपने साथ जोड़ लिया है और इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं दिन रात, बड़ी खुशी होती है। क्या क्या बखान करूँ, मतलब उसके बाद तो फिर जैसे ना दिन रात मेरे पर गुरु जी ने एक के बाद एक, कोई दिन कोई पल ऐसा नहीं बीतता था कि जब गुरु की ब्लेसिंग हमारे पर नहीं होती। और आज भी ऐसे ब्लेस कर रहे हैं और बस मुस्कुरा रहे हैं, बैठे सामने सारे काम वो करवाते हैं। लास्ट ईयर मतलब लॉकडाउन जब सब कुछ बंद हो गया, मेरे हस्बैंड को कोई काम नहीं था, हमारा बिजनेस है और कमर्शियल फोटोग्राफर है मेरे हस्बैंड, कोई काम नहीं आया और थोड़ा सा वो परेशान रहते थे कि कैसे चलेगा। और पर मेरे मन में कोई परेशानी नहीं आई, बस जब तब आती थी जब उनको परेशान दिखती थी। मैं गुरु जी को मैंने कभी कुछ नहीं कहा और गुरु जी के दर पर भी मैं कभी कुछ मांगने नहीं गई थी, क्योंकि मैं बस बुलावा आया था, ये देखना चाह रही थी कि वहाँ क्या शक्ति है जो मुझे बार बार खींच रही है, कुछ तो है वहाँ पे, क्या है वहाँ पे जो मुझे बार बार वहाँ से कॉल आती हैं, कभी गुरु जी का स्वरूप सामने आ जाता है। और सगत जी सच मानेंगे वहाँ जाके इतने प्यारे दर्शन गुरु जी ने जब दिए ना, तो जैसे सब कुछ पा लिया, और क्या चीज़ चाहिए। हम गुरु जी ने फिर यही सत्संग में, अपने सभी सत्संग में हमें यही सिखाया कि मेरे को मंगल ना आया करो। और मैं वाकई में कुछ भी मांगने नहीं गई थी, बिन मांगे उन्होंने मेरे को सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, किसी चीज़ की जीवन में ना कमी नहीं रखी। सिर्फ एक कहते हैं ना कि गुरु के एहसास की कमी थी, वो भी पूरी हो गई, वो जब वो पा लिया तो सब कुछ पा लिया। तो अब ऐसे लगता है ज़िंदगी जीना तो हम अभी सीख रहे हैं, अभी सीखा है, पहले तो हमारी ज़िंदगी ना बेकार चलेगी। बस एक बात का अफसोस होता है, गुरु जी आप देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, यंग एज के बच्चों को गुरु जी अपने से जोड़ रहे हैं, तो उनको देख के बड़ी खुशी होती है कि गुरु महाराज जी ने देखो उनको जोड़ रखा है, मुझे भी इस उम्र में जोड़ लेते तो आज जीवन कुछ और ही दिशा में होता, कुछ और ही अब जीवन की राह होती। कोई बात नहीं, खैर अब जोड़ लिया है, अब जितना भी जीवन बचा है उनके चरणों पे अर्पित है, अब उन्होंने हाथ थाम लिया है तो उनका हाथ थामे अब हम चलते रहेंगे, अब पीछे मुड़ के कहीं नहीं देखना। जो बीत गया तो कोई बात नहीं, ये हमारे कर्म ही थे कि इस मोड़ पर आके गुरु जी ने हमें मिलना था और इसी मोड़ पर आके गुरु जी मिले, और इतना प्यारा उनका साथ है और बस मैं बखान नहीं कर पाती हूँ। और जब ब्लेसिंग देने कैसे शुरू करी उन्होंने गुरु जी ने, एक के बाद एक करी, जो जो मुझे याद आती जा रही है मैं बताती जा रही हूँ। और मेरी बेटी का बर्थडे आता है लास्ट ईयर 28 मई को, बर्थडे के दिन की बात है। लॉकडाउन से पहले वो एक जगह इंटरव्यू देकर आई थी, दो जगह से, और फिर जब लॉकडाउन हो गया तो मुझे कहती मम्मा आप जॉब का तो कुछ नहीं बनेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं बनेगा, भूल जॉब, फिर देखा जाएगा, सारी दुनिया के साथ हैं हम, जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ हो रहा है। और 28 मई को उसका बर्थडे था, उस दिन गुरुजी ने उसको इतनी ब्लेस किया, उसी दिन मॉर्निंग में ही उसके बॉस का कॉल आया उसको कि आपको अपॉइंट किया जाता है, आप ना कल से जॉब ज्वाइन कीजिए।
और मन से जैसे ही वो कॉल आया उसने बताया, उसका चेहरा बताई जा रहा था और मन से शुक्राने निकल रहे थे, शुक्राने गुरुजी, शुक्राने गुरुजी, शुक्राने गुरुजी, शुक्राने के अलावा कुछ और भी नहीं निकलता। इतनी ब्लेसिंग गुरु महाराज जी ने दी। और लॉकडाउन में संगत जी, देखिए मेरे हस्बैंड के पास काम नहीं था, मेरी बेटी को गुरु जी ने काम दिलाया। पूरा साल भर इस फरवरी तक उसकी उनके साथ कमिटमेंट थी और फरवरी तक उसने कमिटमेंट पूरी निभाई और अब आगे भी अभी वो जो जो भी काम कर रही है, घर घर से कर रही है और वर्क फ्रॉम होम कर रही है, फ्रीलांस कर रही है, तो गुरुजी उसी को ही काम दिलवा रहे हैं और बहुत मेरे बरसा रहे हैं। फिर गुरुजी ने हमें भी काम दिलवाया, मेरे हस्बैंड को भी इस साल काम मिला और काम भी ऐसा मिला। तो संगत जी आप देखिए, मतलब हमारा फोटोग्राफी का काम है तो काम गुरुजी ने ऐसा दिलाया कि उनको ना हॉस्पिटल में हमें वीडियो का और फोटोशूट करने जाना था। कि कंपनी है जो ना पीपीई किट और जो दूसरे चीज़ें थी वो उनको गिफ्ट कर रही थी, तो उनको बस उस चीज़ की एक कवरेज करवानी थी। मेरे हस्बैंड ने ना मना कर दिया, कहते नहीं मैं नहीं करूँगा, हॉस्पिटल में जाना है, अभी पता नहीं जगह जगह इन्फेक्शन है या क्या है, तो मना कर दिया। फिर मुझे बता रहे थे ऐसे, मैंने कहा आप मना क्यों कर रहे हो, मैंने कहा काम इतने टाइम बाद आया है और फिर जब गुरुजी हैं तो फिर क्यों आप घबरा रहे हो, गुरुजी ने काम दिलाया, गुरुजी ही आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। मतलब इतना गुरुजी ने मन में इतना स्ट्रांग मेरे को विश्वास दिया है, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। और मैंने ये वर्डिंग बोल दी और मैंने कहा जब गुरुजी साथ में हैं तो क्यों घबराना। और वाकई में जब कहते हैं कि जब आपका मन का विश्वास इतना पक्का होता है ना, तो गुरुजी आपके विश्वास को वाकई उसी तरह करके दिखाते हैं कि देखो जैसा तेरा विश्वास था ना मैं वैसा ही तुझे दिखा रहा। मेरे हस्बैंड फर्स्ट जिस हॉस्पिटल में गए, सफदरजंग में गए थे, और वहाँ पे जो डिपार्टमेंट की हेड थी वो लेडी थी और उन्होंने बताया, बात करी कि ऐसे ऐसे हम ये सामान के लिए आए हैं और वीडियोग्राफी और ये सब हो रहा है। और वो कहते काम तो होता रहेगा, आप बाद में शुरू करना, आइए पहले ना गर्मी बड़ी है, कमरे में बैठते हैं और कुछ ठंडा वंडा ले लीजिए। तो वो अपने रूम में ले गई ऑफिस में और ये कहते मेरे हस्बैंड जैसे ही रूम में गए तो अंदर गुरुजी के स्वरूप लगे, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। और जब मेरे हस्बैंड वापस आए काम से तो मुझे बता रहे हैं गुरु, मेरे को मेरे हस्बैंड सत्संग सुना रहे हैं। देखिए कि मेरी गुरु की कितनी प्यारी ग्रेस है, हालांकि वो इतना बिलीव नहीं करते हैं लेकिन वो मेरे गुरु की महिमा गा रहे हैं और वो मुझे सुना रहे हैं और मैं एडजस्ट सी गुरु जी एंड और कैरी शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी कहने हैं कि मैं पहले ही उत्थे बैठा सी, मैंने पता है। और गुरु जी ने मुझे उन दिनों भी एक सत्संग सुनाया कांटी का, कि उनके हस्बैंड भी बाहर ऐसे जाते थे तो वो आंटी घबरा रही थी, तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि ये सारी दुनिया घर में बैठी है, वो काम पे जा रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं तू ओदे को जा, उन्हें मिल और देख ओदे चारों तरफ ना हमें क्वच शील्ड बनाई हुई है। और गुरुजी ने ये सत्संग मुझे थोड़े दिन पहले ही सुनवाया था और गुरुजी ने यही बात मुझे दिखाई, कहते जितने भी मर्जी जा रहे हैं ना ओदे चारों तरफ में एक क्वच शील्ड बना देती है, उन्हें कुछ नहीं होगा, तू देखी। और तीन हॉस्पिटल में गए दिल्ली के और एक में तो कहते हैं कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया कि हम ना कोविड वार्ड के अंदर से गए, जब हमें जाना था वो सामान स्टोर जो था एंड में था तो वो कोविड उसके अंदर से होके जाना था। और गुरु महाराज जी ने वहाँ पर भी गुरु जी के स्वरूप, गुरु जी सब जगह साथ साथ गए, इतना ब्लेस किया है और अभी भी आज भी कर रहे हैं। और अभी भी पीछे मेरे हस्बैंड को फिर सेम काम वही कंपनी का आया, तो अभी फिर किसी हॉस्पिटल में जाना था, वही सफदरजंग में शायद दोबारा गए थे। और ये वो बता रहे थे, कहते जब कहते हम वहाँ गए तो वहाँ आंटी बैठी हुई थी अंदर स्टोर में जहाँ पे एंट्री होती है, कहते जब वो खड़ी हुई, चाबी निकाली ड्रॉ से, जब वो खड़ी हुई तो पीछे टेबल पे गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ है। तो गुरुजी पल पल दिखाते हैं कि वो पल पल हमारे साथ हैं, हमसे कहीं दूर नहीं हैं, बिल्कुल हमारे पास हैं। एक मन का विश्वास आपका ना पक्का होना चाहिए। गुरुजी से जुड़ने से पहले ना मैं साईं जी से जुड़ी थी, 2004 से ही गुरुजी के यहाँ से मुझे बुलावा आया था, लेकिन तब मैं साईं जी से जुड़ चुकी थी, उसी साल मैं साईं जी से जुड़ी थी।
और तो मैंने वो अंकल बोलते थे जब भी मिलते थे हमारे गुरु जी आप चलिए, तो मैं उनको ये बोलती थी नहीं मेरे पास गुरु हैं, मुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा गुरु मिल गया है। और मैं साईं जी से ना एक ही बात मांगती थी कि मुझे श्रद्धा और सबूरी भरपूर दीजिए, कि इसी चीज़ की हमारे में कमी हो जाती है। और जब भी प्रार्थना करती थी दुआओं में जब भी हाथ उठता था ना श्रद्धा और सबूरी ही मांगती थी। और साईं ने वाकई में मुझे बहुत दिया, बहुत श्रद्धा दी, बहुत सबूरी दिया, इतना मतलब बिन मांगे बहुत सारी मेरी चीज़ें पूरी की। ऐसा नहीं संगत जी, हम सबकी ज़िंदगी बहुत उलट पुलट होती है जब तक हम गुरु से नहीं जुड़ते। हमारी ज़िंदगी किस राह पे चल रही होती हमें नहीं पता, जब हमें गुरु मिल जाता है ना तो तब हमें पता चलता है कि हम किधर गलत जा रहे थे। बहुत से लोग भटके रहते हैं, अभी भी भटके हुए हैं। एक प्रार्थना रोज करनी चाहिए अपने गुरु महाराज जी के चरणों पे, गुरु जी जैसे आपने हमें चरणे लगाया जो उन भटके हुए लोग हैं उन सबको आप अपनी चरणे लगाओ और उन सबको आप अपनी चरण चरण में बिठाओ। तो जब हम उनकी चरण चरण में बैठते हैं वाकई गुरु को, जब हम गुरु को हम क्या पालेंगे, जब गुरु हमारे पास मिल जाते हैं ना तो हमें जीवन में ये चीज़ें लगता है कि हम बेकार चीज़ें मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे, वी आर वेरी फुलिश पर्सन, कि हम किन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। जिस चीज़ों जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसकी हमें समझ ही नहीं होती, हमें हमारी बुद्धि इतनी छोटी हो जाती है कि हम उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता है। तो विश्वास ट्रस्ट ये सबसे पहला शब्द है जो सबसे पहले गुरु से मांगना चाहिए, और वही गुरु जी ने मुझे बहुत दिया। अभी जब ये महामारी की जो भी दूसरी लहर जब आई थी तब मुझे भी 2 दिन बुखार रहा, मैंने अपने आप को अलग रूम में कर दिया था, बच्चों का खाना मैं ही बना रही। अभी मेरी बेटी मुझे बोल रही थी मम्मी आप ऐसे व्यायाम नहीं करो, गुरु जी हैं ना हम सब ना गुरु जी की अम्ब्रेला के नीचे, हम आपको कुछ नहीं होगा आप देखना। मैंने कहा नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन गुरु जी ने बोला है कि एक ना जब कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो तो दूसरों की प्रोटेक्शन हमें सबसे पहले सोचनी है, अपनी नहीं दूसरों के बारे में सबसे पहले सोचना है। और 2 दिन मुझे फीवर रहा, 3रे दिन बस गले में रेशा रहा और मैं वही बस मैं गर्म पानी और गरारे करिए और काढ़ा वगैरह पिया। 5 दिन में गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया, क्योंकि तो मुझे पता था गुरुजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मेरे साथ हर टंग अंग संग वो है। और यही बात उन्होंने मुझे करके भी दिखाई वाकई में। और 5वें दिन जब मैं खड़ी हो गई, अगले दिन मेरे 3 बच्चों को फीवर, और नहीं तो अगर किसी को भी घर में कुछ होता है ना मैं बड़ा घबरा जाती हूँ, मतलब वैसे मेरा मन ना बहुत छोटा हो जाता है उस टाइम। पता नहीं कितनी हिम्मत गुरुजी ने उस टाइम मुझे बख्शी, शुक्राना गुरुजी। और मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई, मैंने 3 बच्चों को अलग अलग रूम में रखा और मैं क्या गुरुजी को मैंने एक ही अरदास बोली, मैं क्या गुरुजी कोई गल नहीं कष्ट आया कट जाएगा, हिम्मत तुसी देनी है, इतनी हिम्मत ना मेरे बिच नहीं है, ये हिम्मत तुसी देनी है। और वाकई में गुरुजी ने इतनी मुझे हिम्मत दी, मैंने मतलब मैं भाग भाग के बच्चों का ध्यान रखा, 5 दिन में बच्चे भी रिकवर हो गए, बुखार 2-2 दिन रहा बिल्कुल ठीक फर्स्ट क्लास। तो ये कौन कर सकता है, ये गुरुजी ने एक ही मैसेज उस दिन आ रहा था बार बार, गुरुजी कहते हैं जब मैं अपने प्यारे बच्चों का ध्यान रखता हूँ ना उनको कुछ नहीं होने देता हूँ, उनको ना हाथों में फूलों की तरह रखता हूँ। और ये बात गुरुजी ने मुझे प्रूफ करके दिखाई कि वाकई गुरुजी ने हमें ना फूलों की तरह अपने हाथों में रखा हुआ है। तो कुछ भी कहते हैं कोई तपिश नहीं लगने देते हैं, दुखों की तपिश हम पर आने ही नहीं देते हैं, हमारे सब दुख सारे कष्ट गुरुजी अपने ऊपर झेल लेते हैं, ये सच है ये गलत नहीं है। और क्या बताऊँ, और हाँ एक बहुत प्यारा सत्संग है वो भी बताती हूँ। गुरबानी का महत्व कैसे बताया गुरुजी ने, ये भी सिखाया गुरुजी ने। गुरबानी से तो मैं बचपन से जुड़ी थी, बचपन से पाठ कर रही थी, नियम था कि पाठ करना ही है, लेकिन वो पाठ की महत्ता कितनी है ये नहीं पता था मुझे कभी, और बस एक रूटीन था कि पढ़ लिया कर लिया बस। ये बात गुरुजी ने लास्ट ईयर ही सिखाई, और मैं बस रात को कुछ बाहर लेने गई, जब मैं वापस आई तो मुझे ना बड़ी बॉडी एक होने लगा और एकदम शिवरिंग सी स्टार्ट हो गई। मैं बस गुरुजी के पास बैठ गई आसन पे नीचे वहाँ पे, और मैं जस्ट अपना व्हाट्सएप मैंने खोला और जब मैंने उस पर देखा तो उसमें ना एक
शब्द चल रहे थे रिंकू वीर जी के, और दुख निवारण शब्द है दुख भंजनी साहब के, वो आ रहे थे। तो वो दो दिन थोड़े दिन पहले ही मैंने सुने हुए थे, और मैंने बस जस्ट वही प्ले किया। और जब मैंने प्ले किया तो जैसे जैसे मेरे में ना बोलने की उस टाइम हिम्मत नहीं थी इतना, मतलब मेरे को बॉडी एक हो रहा था कि, और मैंने किसी को, बच्चों को भी नहीं बताया ना, अपने हस्बैंड को बताया, बस चुपचाप गुरु जी के पास, वहाँ पे गुरु जी के पास रूम में बैठ गई और मैंने जस्ट वो शब्द ही प्ले किया और मैं वही सुनती रही। मिड ऑफ द शब्द में मुझ में एनर्जी आ गई, मैं साथ साथ रिसाइट करने लगी वो शब्द। ये तो थोड़ी देर पहले मेरे में वो बोलने तक की हिम्मत नहीं थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, और मैंने गुरु जी की तरफ देखा।